तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो टैली टैली के बारे में हम लोग चलेंगे। और कुछ समय पहले तक हमने कुछ थ्योरीज वगैरह को दिए थे, और थ्योरी के बाद हम लोग लैब के प्रोसेस में चलेंगे। आगे चल के हम थ्योरी को और क्वेश्चन आंसर को, डेबिट और क्रेडिट वगैरह ये सारे चीज़ को करना सिखाएंगे। आज लैब के सेक्शन में हम ये पार्ट वन जो कि कंपनी क्रिएशंस के रिलेटेड बताएंगे। तो यहाँ पे टैली टैली को बहुत ईजी वे में हम लोग एक एक करके चैप्टर बाय चैप्टर स्टेप बाय स्टेप को सीखेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग को स्टार्ट करना है टैली को, तो कैसे स्टार्ट करेंगे? तो आप अलग अलग तरीक़ों से इसे स्टार्ट कर सकते हैं, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि विंडोज आर रन बॉक्स में जा कर के आप इसे ओपन करा सकते हैं। लेकिन एक सुविधा है, अगर आप इसे शॉर्टकट बना लें तो आप इस शॉर्टकट के थ्रू आप टैली को ओपन करा सकते हैं, किसी भी नाम से करा सकते हैं। तो हमारा आगे का वीडियो में आप देख लीजिएगा कि किसी प्रोग्राम का हम कैसे शॉर्टकट्स को बनाते हैं। तो अभी हम फिलहाल यहाँ पे टैली को ओपन करते हैं। स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे टाइप करेंगे ERP, यहाँ पे ERP से भी आपका टैली ERP 9 आ जाएगा। यदि आप यहाँ पे सर्च में करेंगे टैली तो भी आपका यहाँ पे टैली में आ जाएगा। इस प्रकार से अलग अलग तरीक़ों से आप इसे टैली को ओपन करेंगे। यहाँ पे टैली ERP 9 पे जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक कीजिएगा या फिर राइट क्लिक करके आप ओपन करेंगे, ये सारे चीज़ पहले बता चुके हैं, इससे जो है आपका यहाँ पे टैली ओपन हो जाएगा। अभी जो लेटेस्ट वर्जन है टैली का उसे हम यहाँ पे बता रहे हैं। इससे पहले आपको टैली ERP 9 चलता था, और यहाँ पे अब लेटेस्ट में टैली ERP 9.6.1 है। देखिए, यहाँ पे ये एजुकेशनल मोड का है। टैली का दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक एजुकेशनल मोड एंड सेकंड जो है होता है प्रोफेशनल मोड। एजुकेशनल मोड में आपका क्या होता है कि 1, 2 और 31 जो डेटेड होते हैं वे सिर्फ काम करते हैं, यानी कि डेट का इसमें सिर्फ समस्या होता है कि इसमें 3 ही डेट एक्सेप्ट करते हैं, 1, 2 और 31 को। जबकि अगर यहाँ पे आपका प्रोफेशनल वर्जन रहेगा तो उसमें 1 से लेकर के 31 तक का पूरा काम करेगा। यहाँ पे देखिए, सीरीज जो है आपका 6.1.1 जो कि आपका लेटेस्ट वर्जन है, ये आपका टैली का, जिसमें आपको GST वगैरह काम करते हैं। इसके बाद देखिए, एक्टिविटी और लाइसेंस वगैरह इसमें जो स्टार्टअप में आते हैं, इन सभी को आपको इग्नोर करना है, और यहाँ पे आपको आना है वर्क इन एजुकेशनल मोड। ठीक है, देखिए यहाँ पे अंडरलाइंस वगैरह जो दिए होते हैं, इन अंडरलाइन को भी समझना है। अंडरलाइन आने का मतलब क्या होता है कि अल्ट और कंट्रोल की मदद से जो है आपका इस तरीक़ों से काम करता है। अगर मानते हैं आपका सिंगल अंडरलाइन वगैरह है तो ये आपको जो है अलग अलग प्रकार के शॉर्टकट्स काम करते हैं। ठीक है, चल तो आगे हम आगे बढ़ते हैं वर्क इन एजुकेशनल मोड पे, और यहाँ पे हम आते हैं नीचे डाउन एरो बटन के मदद से, और यहाँ पे एजुकेशनल मोड को ओपन करते हैं। और यदि आपको यहाँ पर से काटना है, किट वगैरह करने हैं, तो आप यहाँ किट कर दीजिए। और अगर आपको रिमोट कंट्रोल टेली यूजर को नेट के थ्रू कनेक्ट करना है, आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। चल, तो वर्किंग एजुकेशनल मोड पे आते हैं। जैसे हम वर्किंग एजुकेशनल मोड पे आए तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको खुलता है गेटवे ऑफ टैली। लेकिन गेटवे ऑफ टैली यहाँ पे क्यों खुलता है, इस बात को ध्यान रखना है। गेटवे ऑफ टैली तभी खुलेगा जब आपका पहले से कोई कंपनी बना हुआ है और वो ओपन होगा। जैसे देखिए, यहाँ पे आपका Q2 जो नामक एक कंपनी है आपका पहले से ओपन है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट गेटवे ऑफ टैली में मास्टर ट्रांजेक्शन यूटिलिटी रिपोर्ट इत्यादि आपके खुले हुए हैं। ठीक है, चलिए, अगर यही चीज़ आप फर्स्ट टाइम खोलेंगे, फर्स्ट टाइम आप लैपटॉप या सिस्टम पे ओपन करेंगे, तो आपको यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली ना करके कंपनी इन्फो के नाम से आएगा, यानी कंपनी इन्फॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे कंपनी इन्फॉर्मेशन का यहाँ पे है, और इस प्रकार से देखिए यहाँ पर अंडरलाइन है। आप इसे सिंगल अगर अंडरलाइन है तो यहाँ पे आप अल्ट के साथ ले सकते हैं, और यदि आप पर डबल अंडरलाइन है तो आप इसे कंट्रोल के साथ ले सकते हैं। ठीक है, तो अल्ट के साथ यदि हम F3 बटन को प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पर हम कंपनी इन्फॉर्मेशन में आ जाते हैं। एक बात और, टैली में आपका दो बटन का ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा यूज है। एक तो है आपका एंटर बटन और दूसरा एस्केप ESC, जो कि कीबोर्ड में कोना में होते हैं, ESC बटन को आप उसे देख सकते हैं। और ऐसा करते हैं, हम बीच में कीबोर्ड को भी निकाल लेते हैं और कीबोर्ड आपको दिखाते हैं। देखिए, विंडो आर कर लीजिएगा। अगर आपको कीबोर्ड आपको नहीं पता होगा, आपके पास कीबोर्ड नहीं होंगे, तो आप कीबोर्ड को निकाल सकते हैं।
OS के यानी कि ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ठीक है। जैसे आप OS के लिखेंगे, ओके पर प्रेस करेंगे, आपके सामने एक कीबोर्ड आ जाएगा जो कि कंप्यूटर के अंदर में बाय डिफॉल्ट होते हैं। देखिए ये आपकी जो है कि कीबोर्ड्स हो गए हैं, ये आपके कीबोर्ड हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर बाय डिफॉल्ट आपको मिले हुए हैं, ठीक है। चलिए इनकी हम सारी चीज़ को सहायता से हम सारी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा, देखिए यहाँ पर जैसे हम एस्केप बटन को प्रेस करते हैं, देखिए यहाँ पे एस्केप बटन को आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैंसिल होगा, ठीक है, और यहाँ पे वापस भी आएगा। यहाँ पे हम आते हैं वापस, एस्केप बटन को प्रेस करते हैं। जैसे एस्केप को प्रेस किए, देखिए हम गेटवे ऑफ टैली में पहुँच चुके हैं। तो याद रखिएगा, आपको यदि पहले से कंपनी ओपन होगी तो डायरेक्ट आपको गेटवे ऑफ टैली खुलेंगे, और यदि आप फर्स्ट टाइम आप ओपन कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे कंपनी इन्फॉर्मेशन आएगी, ठीक है। चलिए हम चलते हैं कंपनी इन्फॉर्मेशन की ओर। जैसे हम कंपनी इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं, तो आज हमने जैसा कि बताया कि हम कंपनी को क्रिएशन करने के लिए बताएंगे, यानी कि कैसे आप टैली में अपने नाम से, अपने दुकान या फार्म या किसी के नाम से जो है आप कंपनी को कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम आते हैं क्रिएट कंपनी, और हर एक ट्रिक में देखिए हम शॉर्टकट के माध्यम से चलेंगे, हर एक चीज़ में हम आपको शॉर्टकट बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर आप बात करें हम ऊपर में, तो आपको देखिए यहाँ पे जो रेड का जो दिख रहा है ये आपका शॉर्टकट है। अगर नीचे में एक अंडरलाइन आएगा तो आपके अल्ट के साथ, डबल अंडरलाइन होगा तो कंट्रोल के साथ, यदि यहाँ पर कोई अंडरलाइन नहीं है और कोई लेटर जो है आपका बोल्ड है तो आपका शॉर्टकट है। तो यहाँ पर और थोड़ी सी समय लगेगी हमें बताने में, थोड़ी सी समय ज़रूर लगेगी, लेकिन आपको बिल्कुल अच्छे से एक एक चीज़ को समझ में आना चाहिए। तो सिलेक्ट पे जाएंगे, सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम आते हैं क्रिएट कंपनी, क्रिएट कंपनी में आते हैं, यहाँ पे हम सी को प्रेस करेंगे। देखिए जैसे ही हम सी को प्रेस करते हैं, हमारे सामने यहाँ पर क्रिएट कंपनी आ चुकी है, ठीक है। देखिए फिर से हम इसको स्क्रैप करके वापस चले जाते हैं ESC बटन के द्वारा, और देखिए यहाँ पर C4 क्रिएट कंपनी के हम लेके चलते हैं, यहाँ पे कंपनी हमारे ओपन हो गए। एक कंपनी का टोटल एड्रेस है, और बाकी हमारे पीछे जो सेलेक्ट ऑल थे, सर्ट थे, ये सारे चीज़ को हम बताएंगे, घबराइएगा नहीं, एक एक चीज़ को बताएंगे। लेकिन सबसे पहला जो काम है वो है टैली में कंपनी को बनाना। टैली में हम कंपनी को कैसे बनाते हैं इसके बारे में बताएंगे। देखिए सबसे पहले जो आपका ऑप्शन से जो डायरेक्टरी है, ये डायरेक्टरी में आपको ये पाथ बताता है, ये लोकेशन बताता है कि आपकी जो टैली है, जो आपकी कंपनी है टैली के अंदर में, वो कहाँ पर जाके सेव है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए सी ड्राइव में यूजर्स हैं, यूजर्स के अंदर पब्लिक हैं, पब्लिक के अंदर टैली ERP9 है, और इसके अंदर आपको डाटा पड़ा हुआ है। यानी कि अगर आप एक जगह से कंपनी को बना करके किसी दूसरे जगह पर ले जाना चाहते हैं और वहाँ पे ओपन करना चाहते हैं, तो उसके डाटा को आपको कॉपी करना होता है। देखिए हम इस लोकेशन पे भी आपको लेकर के चलते हैं। विंडोज़ के साथ हम ई बटन को प्रेस कर रहे हैं, तो देखिए हमारे सामने यहाँ पे कंप्यूटर का, माई कंप्यूटर का फाइल खुल चुका है। यहाँ पर हम आते हैं टैली के उस लोकेशन पे, देखिए सी ड्राइव के अंदर था यूजर, आप उसको फिर से हम लाएंगे तो देख लीजिएगा, यूजर के अंदर में था पब्लिक, देख लेते हैं एक बार फिर से, चलिए फिर से देख लेते हैं, यूजर के अंदर में है पब्लिक के अंदर टैली ERP9 फिर डाटा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लेकर के चलते हैं पब्लिक, है ना, पब्लिक के अंदर में क्या था ERP9, टैली ERP9, ERP9 के अंदर है आपका डाटा। देखिए जो जो कंपनी बने हुए हैं इस कंपनी का डाटा यहाँ पे है, आप यहाँ से कॉपी करें पेन ड्राइव वगैरह में, कॉपी करने के बाद आप किसी दूसरी ड्राइव में पेस्ट करा सकते हैं, जो कि हम आगे बताएंगे। अभी बिल्कुल हम स्टार्टिंग से बता रहे हैं कि आप कंपनी क्रिएशन को कैसे करेंगे और अपने डाटा को कैसे देखेंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो डायरेक्टरी आपने देखा, ये पाथ देख लिए कि आपका टैली किस ड्राइव में है और टैली का डाटा कहाँ पर जाकर के सेव है, जहाँ पर से आप एक दूसरे से ले जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए दे रहा है नेम के अंदर में आपको कंपनी का नाम लिखना है कि आपको किस कंपनी का बनाना है। जैसे मानते हैं हम यहाँ पर बना लेते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम, या तो फिर सहारा वगैरह बनाते हैं, सहारा, ठीक है,
सहारा है, LIC है, या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, हमारा है, भारत है, जो भी है, हर किसी चीज़ का एक अकाउंट बनता है। SBI है, PNB है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, HDFC है, इलाहाबाद है ना, किसी को भी आप बना लीजिए। चलिए सहारा। नीचे में आपका है मेलिंग नेम, आप यहाँ पे माउस से क्लिक भी कर सकते हैं, या फिर जैसे जैसे आप इंटर बटन को प्रेस करेंगे आपको धीरे धीरे नीचे आते जाएंगे, और बैक स्पेस बटन को प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको बैक स्पेस है, बैक स्पेस के द्वारा आप उस एक करके वापस जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कटकुट है, जबकि यहाँ पे एरो होती है, इस प्रकार से आपको एरो मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए मेलिंग नेम, मेलिंग नेम में बाय डिफॉल्ट आपको सहारा आ गया, क्योंकि आपने नाम लिखा था सहारा। अगर आप चाहते हैं कि ये हम दूसरा नाम दें तो आप बिल्कुल दूसरा नाम दे सकते हैं। सहारा कहने का मतलब है कि बाय डिफॉल्ट वही नाम इसीलिए लेता है क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है, या बड़ा बड़ा जो कंपनी होता है, वो किसी दुकान या फर्म के नाम से पहचाना जाता है, ना कि उसके ऑनर के नाम से। ठीक है, जैसे सहारा है, सहारा के कुछ ऑनर्स वगैरह जैसे सुब्रत राय वगैरह थे, ठीक है, तो सुब्रत राय थे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि आप उनको नाम नहीं लिख सकते, क्योंकि एक सहारा में एक आदमी नहीं होता। और अगर आप किन्हीं को खोजने भी जाइएगा तो जब भी खोजिएगा तो सहारा को खोलिए खोजिएगा। ठीक है, जैसे मानते हैं कि आपको एयरटेल है, जियो है, अगर मानते हैं कि अगर आपको जियो में कोई प्रॉब्लम है तो आप कस्टमर केयर में कॉल करेंगे जियो का, ये ना कि कहिएगा कि हाँ मुकेश अंबानी दिए हैं, अनिल अंबानी दिए हैं, हम उनसे बात करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो मेन आपको कंपनी से पहचान होती है कि यहाँ एयरटेल के कंपनी, एयरटेल के पास लगाओ, सहारा है तो सहारा के पास जाओ, है ना, उस कंपनी जहाँ पे ऑफिस खोला हुआ है आप वहाँ पे भी जाके मिल सकते हैं। तो आप नाम इसको बदल भी सकते हैं, और अगर आप चाहें तो दूसरा नाम भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए आप इसको भी रखिएगा, आपको एक्सेप्ट कर जाएगा, और अगर आप मानते हैं कि दूसरा रखिएगा, दूसरा कुछ भी रखिएगा, तो भी आपको एक्सेप्ट कर जाएगा। चलिए ठीक है, तो आप इसको समझ गए। चलिए हम यहाँ पे दे देते हैं सहारा लिमिटेड LTD। ठीक है, हम ऐसे लिख दिए, कोई भी दे सकते, कोई घबरा। इसके बाद एड्रेस है, तो एड्रेस में तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, जहाँ आपकी कंपनी, जहाँ आपकी ऑफिस है, आप अपने ऑफिस का एड्रेस दे दीजिए। जैसे मानते हैं कि मखदुमपुर में है, तो आप मखदुमपुर में इसको दे दीजिए कि मखदुमपुर ऑफिस है। इसके बाद आपको और भी इसके अंदर देने हैं कि पोस्ट क्या है, तो आप पोस्ट वगैरह दे सकते हैं। देखिए आपका पोस्ट कहाँ है, तो पोस्ट मंत्री मखदुमपुर है। इसके बाद PS मखदुमपुर डिस्ट्रिक्ट जहानाबाद। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे आज पिन कोड वगैरह आगे में मिल जाता है, तो हमें वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद कंट्री, कंट्री आपको बाय डिफॉल्ट देखिए इंडिया है, आप यहाँ इंडिया ले सकते हैं। एक चीज़ और बता दें कि कंपनी से रिलेटेड एक और आपको इन्फॉर्मेशन देने की हम कोशिश करते हैं। देखिए ये इन्फॉर्मेशन क्या है, यहाँ पे बेस करेंसी इंफॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि कहाँ कहाँ की कौन कौन से सिंबल्स होते हैं, कहाँ कहाँ के क्या क्या मुद्राएं होती है, वे सारे चीज़ को यहाँ पे पहचान होती है। जैसे अगर इंडिया है तो इंडिया में क्या चलता है, रुपी चलता है, इंडियन रुपीज़ है ना, INR का मतलब होता है इंडियन रुपीज़ है। सफिक्स सिंबल अमाउंट है, क्या देना है नहीं देना है, इधर डिसिमल होता है, नंबर ऑफ डिसिमल वगैरह। ठीक है ना, तो डिसिमल वगैरह ऐसे 2 होता है। देखिए सिलेक्ट करने के बाद जब आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे डिसिमल आपको जो है 2 आपको दिख रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ डिसिमल प्लसेस 2 वगैरह, यानी कि पैसे में इसको जोड़ा जाता है, एक रुपीज होता है, दूसरा सेकंड पैसा होता है, और उसमें डिसिमल रुपीज होता है ना, 10 दशमलव के बाद 20, ये आपको इंडियन में देखा जाता है। कहीं कहीं पर 30 होता है, तो 30 आप एक्सेप्ट करा सकते हैं, 20 चाहते हैं 20 होगा, और अगर आप 10 चाहते हो 10 चाहेंगे, तो अगर नहीं चाहते तो यहाँ से आप 0 को हटा भी सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ सिटी का नाम हम चेंज करके आपको दिखाते हैं, ताकि बेस करेंसी सिंबल कैसे चेंज होता है। बैक स्पेस में आते हैं हम, बैक स्पेस के द्वारा। ठीक है, चलिए पीछे चलते हैं। स्टेट देखिए, अगर मानते हैं हम इंडोनेशिया लेते हैं, तो देखिए इंडोनेशिया लेते हैं तो यहाँ पर रुपी चेंज हो जाएगा, देखिए RP हो गया। ठीक है, चलिए फिर से वापस चलते हैं। मानते इराक में क्या चलता है,
तो देखिए IQD चलता है। अगर आप चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया वगैरह में क्या चलता है, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में क्या चलता है, ए डॉलर चलता है ना। अमेरिका में क्या चलता है आप यहां से देख सकते हैं। तो ये हमारा कंट्री हो गया, तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं इंडिया है ना। और अगर आप इंडिया को सिलेक्ट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपका जो स्टेट है वो बिहार होगा। यहाँ पर बी लिखेंगे तो बी फॉर बिहार आपका सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर पंजाब है तो पी फॉर पंजाब आप ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे टैली में एक एक चीज़ को समझना और एक एक चीज़ का शॉर्टकट समझना बहुत ही ईजी है ना। अगर पी से आप चाहते बस यहाँ पी लिख दीजिए, देखिए पुंडीचेरी है और पंजाब है आपका। बी इंडिया में एक ही ऐसा राज्य है जो बी से शुरू होता है, वो है आपका बिहार, ठीक है, जिसके नाम पे पांच भारत आप देख सकते हैं, देश का अलग अलग नाम जो है, तो सिर्फ एक ही नाम है बिहार। यहाँ पे बिहार को सिलेक्ट करते हैं। फिर पिन नंबर जो भी है आपका, जैसे मखदुमपुर का 8424 22 है, हमने 22 दे दिया। बाकी फ़ोन नंबर आपको जो देना है, जैसे हम अपना नाम देते हैं, ठीक है, ये आपका हो गया। मोबाइल नंबर देना है, आप मोबाइल नंबर में भी दे सकते हैं इस तरीक़ों से। इस प्रकार से फैक्स नंबर, पहले फैक्स नंबर चलता था। ईमेल आईडी अगर देना चाहते हैं आप, ईमेल आईडी भी इसको डाल दीजिए। इस प्रकार से वेबसाइट वगैरह आपके हैं वो भी दे देते हैं। चलिए है, या ऑब्लिक में अगर नंबर डायल करेंगे तो नंबर भी आ जाएंगे, ठीक है। ये हम आपको सिर्फ दिखा दिखा के बना बना के आपको दिखा रहे हैं। चलिए यहाँ तक आपने समझा। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट नेक्स्ट जो स्टेप है वो है आपका, तो देखिए यहाँ पर आपका नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आता है वो है बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स। आपका फाइनेंशियल कब बंद होता है, कब चालू होता है, तो देखिए फाइनेंशियल ईयर जो बिगिन होता है, अब जो भारत में लगभग जो राज्य हैं वहाँ जो फाइनेंशियल ईयर चलता है, पहले आपको जनवरी से स्टार्टिंग था और दिसंबर में आपको एंड होता था। लेकिन अभी का जो लेटेस्ट जो है आपको कुछ साल पहले से जो चल रहा, वो आपका फाइनेंशियल ईयर आपको 1/4 से शुरू होते हैं, यानी कि 1 अप्रैल से आपका स्टार्ट होता है और 31 मार्च को जो है समाप्त होता है, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल ईयर पूछा जा रहा है कि आप कब से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मानते हैं हमारा 2020 से कैसे रखना है, तो यहाँ फाइनेंशियल ईयर जो बिगिन करेंगे वो 1/4/2020 से, ठीक है। आगे आते हैं तो यहाँ पूछ रहा है कि बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, यानी कि अगर आप मानते हैं कि आपने कंपनी को कब से खोला है, ठीक है, या जब से आप कंपनी को खोले हैं आप यहाँ पे दे सकते हैं। साथ में आपने कब स्टार्टिंग किया, कब से आप बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, यानी कि बुक मेंटेन करना कब से आप शुरू करेंगे, है ना। तो आप जब से बुक मेंटेन करना चाहेंगे आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 1/2/31 के सिवा तो कुछ लेगा नहीं, तो आप यहाँ पे जो भी देना। मानते हैं कि हमने जुलाई में उद्घाटन किया, ठीक है, अप्रैल की कंपनी है, हमने जुलाई में उद्घाटन किया, तो आप यहाँ पे 1/7/20 भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि जब से आप बुक्स को स्टार्ट करने, बुक्स को मेंटेन करना शुरू करेंगे आप, तब से बुक्स में दे दीजिए आप एंट्री, है ना। इसके बाद देखिए टैली में दो तरह के पासवर्ड्स होते हैं, एक आपका होता है टैली वॉल्ट पासवर्ड और एक होता है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल पासवर्ड। टैली वॉल्ट पासवर्ड जो होता है, जैसे घर में भी हम लोग ताला वगैरह लगाते हैं, मोबाइल में भी आप लोग देखते हैं कि ताला वगैरह लगाते हैं, तो दो तरीकों के पासवर्ड्स होते हैं टैली में, यानी कि टैली वॉल्ट पासवर्ड और यूज सिक्योरिटी कंट्रोल पासवर्ड घर में भी आप लगाते हैं। तो एक मेन गेट पर होता है और एक घर के अंदर जो रूम्स होते हैं, छोटे छोटे जो रूम होते हैं, उन सभी में आप ताला वगैरह को लगाते हैं ताकि आप सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अंतर क्या है कि यदि आप टैली वॉल्ट पासवर्ड लगा देंगे किसी कंपनी में, तो वह कंपनी जो है वो कंपनी का जो नाम है आपका नहीं दिखेगा, वो आपको कुछ न कुछ कोड से दिखेंगे, ठीक है। और यदि मानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप यूज सिक्योरिटी से डालेंगे तो आप यहाँ पे उसका नाम दिखेगा, है ना। आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम
आपको चार तरीकों के कंपनी बना के दिखाएंगे और उन सभी में आपको हम अलग अलग प्रकार के पासवर्ड लगाएंगे। चलिए याद रखिएगा, आप भी यहाँ पे पासवर्ड डालते हैं एक, यहाँ से डालते हैं हम 1 2 3, ठीक है। यहाँ इंटर बटन को प्रेस करते हैं, रिपीट पासवर्ड खोज रहा है, आप यहाँ रिपीट पासवर्ड को दे दीजिए 1 2 3, ठीक है। और इसके बाद हम इंटर को भरते हैं आगे। सेकेंड पासवर्ड है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल पासवर्ड। अगर देखिए टैली वॉल्ट पासवर्ड लगने से क्या होता है कि आपको उस कंपनी का नाम शो नहीं करेगा, उसको कोड से पहचानना होगा। जैसे यहाँ पर देखिए सहारा, तो सहारा अब नहीं दिखेगा आपको, आपको उस कोड से पहचानने होंगे, ठीक है, कि क्या कोड है। और वह कोड सेव करते समय मिलेगा, तो याद रखिएगा कंपनी को सेव करते समय जो कोड मिलेंगे उन कोड को आपको ध्यान रखना होगा। चले तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं, इंटर बटन को प्रेस करते हुए धीरे धीरे इंटर बटन को प्रेस करते जाइए। लास्ट में आपको एक्सेप्ट का जो एक ऑप्शन मिलेंगे, देखिए इसको हम फिलहाल क्लोज करते हैं डिस्टर्बेंस के कारण। चले इंटर बटन को हम प्रेस करते जाते हैं, कंटिन्यू। तो इंटर बटन को प्रेस करते जाइएगा और आपको लास्ट में देखिए यहाँ पे ऑप्शन देगा एक्सेप्ट। अगर आप इसे यस करेंगे आपकी कंपनी सेव हो जाएगी, ठीक है, अगर नो करेंगे तो सेव आपका नहीं होगा। इसका एक शॉर्टकट भी होता है, वो याद कर लीजिएगा आप, कंट्रोल के साथ ए बटन को प्रेस करना है। जैसे आप कंट्रोल के साथ ए बटन को प्रेस करेंगे वो आपका सेव का ऑप्शन आ जाएगा। चलिए हम इसको करते हैं सेव। देखिए यहाँ पे पूछा टैली वॉल्ट पासवर्ड, अगर आपको इस कंपनी को ओपन करने हैं आप यहाँ पे डालिए 1 2 3 और इंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। देखिए आपका सहारा नाम की कंपनी जो है ये आपका क्या हो गया, ओपन हो गया। आप यहाँ से देखिए इसको ओपन करा सकते हैं, ठीक है, तो ये आपकी कंपनी बन गई। चलिए हम सेकंड कंपनी एक और बनाते हैं, तो क्रिएट कंपनी के पास चले जाइएगा, ये थोड़ी हम जल्दी से बनाएंगे। सहारा टू, ठीक है, बाकी हम सारे कंपनी वन में अच्छे से बता चुके हैं। बी फॉर बिहार, बाकी एड्रेस वगैरह आप डाल दीजिएगा। ये कंपनी इंफॉर्मेशन है, ये आपका 1420 रखने दीजिए, आप अलग चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस कंपनी में हम यूज सिक्योरिटी कंट्रोल पासवर्ड को डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे यस। पूछेगा नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि कौन यूज कर रहा है। तो अगर आप अपना नाम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं कि हम यूज कर रहे हैं। पासवर्ड आपको देना है कि आप पासवर्ड दीजिएगा, हम यहाँ पर 321 डालते हैं, इंटर रिपीट 321, ठीक है, और इसके बाद हम सेव करेंगे। देखिए यहाँ पर है यूज टैली ऑडिट फीचर, ये तभी ओपन होगी जब यहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल पासवर्ड को लगाएंगे। इसके लगाने से क्या होगा कि ये मालिक जो होते हैं, ऑनर्स जो होते हैं, ये देख सकते हैं, किसी के भी आईडी खोल के वो देख सकते हैं कि कौन व्यक्ति कितना काम किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि हम आगे बताएंगे, लास्ट में बताने की चीज़ है, अभी शुरुआत में इसके हम नहीं बताएंगे। इसको बताने में लगभग 1 से 1.5 महीने हमें लगेंगे। तो चलिए हम इसको इंटर मारते हुए हम यह कंपनी को सेव कर लेते हैं। देखिए दो कंपनी हमने बनाया, एक सहारा वन जो कि सहारा था, एक सहारा टू, और यहाँ पे हमने पासवर्ड को डाल दिया, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया कंट्रोल की मदद से। देखिए इस कंपनी को खोलने के लिए पूछा नेम ऑफ यूजर, कौन यूज कर रहे थे, यहाँ पर डाल दिया मिश्रा सर। इसके बाद पासवर्ड क्या था, 321, ये आपका ओपन हो गया, देखिए सहारा टू। अब इस कंपनी को बंद करना है, ठीक है, बंद कैसे करेंगे, यहाँ पे सट कंपनी में जाइएगा, सट कंपनी में जाने के बाद देखिए यहाँ पे बंद करने का, देखिए तो कंपनी को बंद करते समय ये आपको ध्यान रखना है कि कंपनी का कोड क्या है। तो ये सहारा है आपका 1004 और सहारा 1005, चलिए इसे हम कर देते हैं सट, ठीक है, फिर से सट पर जाते हैं, इसके बाद फिर सेट कर देते हैं, हमारे दोनों कंपनी बंद, फिर सेट पे जाते हैं, ये हमारे सभी कंपनी होगी बंद, ठीक है। तो हमने पहला सीखा कि कंपनी को कैसे बनाते हैं, दूसरा स्टेप था कि कंपनी को कैसे हम बंद करते हैं, और तीसरा अब हम सीखने वाले हैं कि कंपनी को कैसे ओपन करते हैं। तो यहाँ पे ओपन करने के लिए आपको जाना है सेलेक्ट कंपनी पर,
सिलेक्ट कंपनी पे जैसे ही जाएंगे, देखिए यहाँ पे कुछ कंपनी बने हुए हैं, देखिए यहाँ पे सहारा 2 तो नजर आ रहा है लेकिन सहारा 1 आपको नजर नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उन्हें बताया था कि जिस कंपनी में टेली वॉल्ट पासवर्ड लग जाएगा उस कंपनी का नाम शो नहीं करता है, उस कंपनी को आपको कोड से पहचानना होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है कि जिस कंपनी में आप टेली वॉल्ट पासवर्ड को लगा देंगे वह कंपनी जो है आपका उस नाम से शो नहीं करेगा और बहुत ही अंदर की ताला लगा हुआ है, ठीक है। और जो सिक्योरिटी कंट्रोल पासवर्ड अगर सिर्फ लगाएंगे तो आपको यहाँ पर नाम आपको दिखेगा। अगर आप दोनों पासवर्ड लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो दोनों पासवर्ड लगा सकते हैं और बिना पासवर्ड का भी कोई भी कंपनी बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसको हम 1003 को खोलते हैं, इस कंपनी को ओपन करते हैं, देखते हैं खोल करके इसका पासवर्ड क्या था सारा का 123। चलिए देखते हैं, ये तो ओपन हो ही नहीं रहा है सिस्टम स्लो के कारण, ये धीरे धीरे ओपन होगी। और देखिए जितने हम इजी में आपको सारे चीज को बताए हैं आप इसको ध्यान से थोड़ी सी समझेंगे कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहाँ पे हमने इंटर प्रेस किया सिलेक्ट करके और यहाँ पे डालते हैं 321। देखिए गलत है, 321 नहीं 123 है। हाँ देखिए जैसे 123 दिया ये आपका ओपन हो गया। चलिए सेकंड कंपनी को भी ओपन करते हैं, सिलेक्ट कंपनी में जाते हैं, यहाँ पर आते हैं 1003 को ओपन करते हैं। 1 2 3 ही है, नहीं है, 1 2 3 है, नहीं है, 3 तो एक है, नहीं, ठीक है, नहीं आया है ना। तो अगर आपको पासवर्ड पता नहीं हो और यहाँ पर आप आ गए हैं तो आप इसके लिए एस्केप बटन का यूज करेंगे, कोना में जो ESC बटन होता है आप इसको यूज करेंगे और इससे आप वापस आ जाएंगे। चलिए यहाँ पे फिर से हम इंटर बटन को प्रेस करते हैं, नीचे में आएगा सहारा 2, ओपन करते हैं और इसका पूछता नेम ऑफ यूजर, क्या नाम दिया था हमने, मिश्रा सर। इसके बाद पासवर्ड 321, देखिए आपका ओपन हो गया। तो ये हमने बताया आज के सेशन में, कंपनी को बनाना, कंपनी को डिलीट करना, कंपनी को बंद करना, है ना। कंपनी आज के सेशन में हम ये 3 चीज दिखाए हैं, कंपनी बनाना, कंपनी को खोलना और कंपनी को बंद करना। आगे हम आपको दिखाएंगे कि कंपनी को कैसे मॉडिफाई करते हैं, वो आगे के सेशन में हम बताएंगे कि कंपनी को आप कैसे डिलीट कर सकते हैं, कैसे आप मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी कंपनी में कैसे चेंज करेंगे, वो हमारा आपका पार्ट 2 होगा। उस पार्ट 2 में आप इसे देख सकते हैं और इजी वे में समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जो टैली का पहला है क्रिएट कंपनी, सेट कंपनी एंड सिलेक्ट कंपनी का यूज करना बताया, ठीक है। आगे हम आपको बताएंगे डिलीट कंपनी, अल्टर कंपनी, ये सारे कंपनी के बारे में। चलिए तो आज के लिए बस इतना, आज के सेशन बस इतना ही, धन्यवाद। ध्यान रखिएगा एक चीज और बात को कि हम आपको बिल्कुल स्लोली बताते हैं, धीरे धीरे बताते हैं तो थोड़ी सी समय लगेगी, आप घबराएं नहीं, बस पूरा देखें, अच्छे से देखें, अच्छे से समझें और अगर कहीं पर भी आपको डाउट लगे आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है, हम आपको वहां पे तुरंत जो है आपका रिप्लाई देते हैं। ऐसा नहीं हम हर कमेंट्स को जो है देखते हैं तुरंत रिप्लाई देते हैं। तो ठीक है आप इतना ही, और कंपनी को हमने ओपन करना बता दिया था, नेक्स्ट सेक्शन में हम आपको कंपनी को डिलीट करना, मॉडिफाई करना इत्यादि हम बताएंगे। और ये लास्ट में हम आपको कंपनी को डिलीट करना लास्ट में बता देते हैं। देखिए आप कीट पे क्लिक करेंगे या एस्केप बटन कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, गेटवे ऑफ टैली में आएंगे, फिर आप एस्केप को प्रेस करेंगे, कीट का ऑप्शन आएगा, आप इसे यस कर देंगे या इंटर बटन को प्रेस करेंगे, आपका टैली भी बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार से आप इस ऐसे से कर सकते हैं, कहीं भी आपको किसी प्रकार का दिक्कत हो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं।